यो यतिन क्या खाने आया अपन? दिल्ली स्ट्रीट लिखा है तो यहाँ तो भाई छोले भटूरे और ये सब होंगे। तो फाइनली गाइस मैं तो आ चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट और मैं वेट कर रहा हूँ यतीन का। उसने कहा कि वो भी रास्ते में है, थोड़ा ट्रैफिक वेफिक है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में, तो बस अभी थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा। उसके बाद हम गेट से अंदर जाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसके बाद शायद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यानी ये हिचकिच करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल संभाल लेंगे हम, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं अभी अंदर जाके, फिर बताते हैं आपको ठीक है क्या चल रहा है, क्या क्या मांग रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं। मुझे तो मिल चुका है अपना बोर्डिंग पास, ये देख सकते हो आप बोर्डिंग पास, एयर इंडिया लिखा हुआ है, पैन पैसिफिक एयरलाइन बता रखी थी। और ये आया लौंडा, ओ यो यूजीनिया। तो बस अभी इन दोनों का बोर्डिंग पास आ जाए, फिर हम चलेंगे आगे, और आगे जाके फिर इमिग्रेशन वगैरह का बताएंगे ठीक है। यहाँ पे अंदर इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन ठीक है। बस लेट हो गया यार, 9 की बोर्डिंग है और अभी 9:30 हो गई, जल्दी से जाते फटाफट। जब मैं आया था ट्रैवल के टाइम निकले तो कुछ खुला हुआ नहीं था यहाँ पे, अभी सब कुछ खुल चुका है। मतलब शर्म आनी चाहिए कि 9 बजे की बोर्डिंग वगैरह लिखा था, इतना तेज़ भाग के आया, नहीं कम से कम 20 मिनट का रास्ता होगा, और मैंने मिनिमम 6 से 7 मिनट में कवर किया। वो इतना फास्ट दौड़ दौड़ के, और भाई ये लगेज ये पड़ा हुआ हमारा, भाई साहब पूछो मत भाई, 8-9 किलो का तो यही है। आर्मी वाली ट्रेनिंग ऐसी होती ना, इससे समझ आ गई आज मेरे को बहुत यानी ख़राब स्थिति। और यहाँ पे आके पता चल रहा कि थोड़ा सा डीले हैं हम, धीरे धीरे आते हैं, कुछ खा के आते हैं, भूख इतनी लग रही है कि पूछो मत भाई। सोच रहा हूँ भाई पावर बैंक लेके आया हूँ, सीधा पैसे मार के उसके मुंह पे सीधे, खोला भी नहीं है अभी तक, देखता हूँ चार्ज होगा कि नहीं होगा, ट्राई नहीं किया। 1000 रुपये का पड़ा इसमें, तो कौन सा ही MI पावर 1000 mAh, और ये 3i है शायद, उसने बोला था कि 3i अभी तक नया आया, अभी का लेटेस्ट। अभी आपके पास, आप में से किसी के पास होगा तो 2i होगा वो, देखते हैं क्या फीचर्स है। पैकिंग तो तगड़ी है भाई, देख रहे हो आप चमक रहा है यार, कतई नई नई दुल्हन नहीं होती ऐसे, खतरनाक सा चमक रहा है। और क्या दे रखा है, सॉरी भाई ये नहीं निकल रहा है, बस इतना ही। अभी लगी है बहुत तेज भूख, और हमने सोचा कि कुछ खाया जाए, यहाँ पे हो तो नहीं रही थी बोर्डिंग, हमारा कट गया बहुत भयंकर वाला चूतिया। और हम जाएंगे अभी कुछ पेट पूजा करने, बहुत तेज भूख लगी है। इसने कब खाए थे छोले भटूरे? सोए 1 बजे, मतलब सोए नहीं, दोपहर में 1 बजे, और मुझे याद है लगभग मैंने 12-11 बजे ही खाए थे छोले कुलचे, उसकी भी वीडियो आप देख ही चुके होंगे ऑलरेडी। पर हम जानवर लोग हैं, हमारा पेट नहीं कुआ है, भूख लगी जाती है। कुआ नहीं, बावड़ी कहते ना अपने वहाँ पे, बावड़ी बावड़ी है मेरे, खतरनाक वाली। खाना जाता कहाँ पे है, कैसे जाता है वो मुझे भी आज तक पता नहीं चला, लेकिन खाना खतरनाक खाया जाता है यहाँ तो, भूख लगनी चाहिए बस। अब थोड़ा फिलीपींस जाके कंट्रोल हो जाएगा थोड़ा, यू नो पैक्स एप्स एंड ऑल, यस एप्स एप्स ऐप है तुम्हारे छोरे में, एप्स देख के आजकल क्या शादियाँ आदि एप्स देख के हो रही है भाई, तो थोड़ा इस हिसाब से बॉडी भी फिट कर लेंगे क्या कहते हो, ठीक है खाना वाना लेके मिलते हैं आपको। यो यतिन क्या खाना आया अपन? दिल्ली स्ट्रीट लिखा है तो यहाँ तो भाई छोले भटूरे और ये सब होंगे, बर्गर्स मुमताज़ में सब पे जाएंगे भाई, सब पे डोमिनोज चलते और खेलते थोड़ा। है अपने काम का स्नैक ब्रेक में वेज शामी और चटपटा चना, और इधर है तंदूरी टोफू, ये थोड़ा है वेज में अच्छा खासा, देख सकते हो आप। तो कुछ ऑर्डर करते हैं, मेरा मन तो तंदूरी टोफू कह रहा है,
लेकिन रेट पे डिपेंड करता है, बाकी तो कुछ भी खा लेंगे हम तो वेज में। तो पनीर टिक्का ठीक है, तो तीन पनीर टिक्का कर ले और माउंटेन ड्यू ड्रिंक्स। हाँ माउंटेन ड्यू कर ले, अभी मेरे लिए कोक कर ले। तीन पनीर टिक्का कर दीजिए और ड्रिंक्स में दो माउंटेन ड्यू और एक कोक। हाँ तो ये अभी हम आ चुके हैं सब्वे लेके, ये है मेरा विदाउट ओनियन और इसका है विद ओनियन, देखते हैं अब कैसा बना है। अभी बीच में एक किस्सा हो गया, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि हम आ रहे थे, हमारे पीछे एक लड़की आ रही थी, यानी हमारे आगे ही थी एक्चुअली, उसके पापा ने कहा कि भाई आपको जाना है 7th नंबर गेट पे। बीच में पता आपको चलने का एस्केलेटर होती ना बीच में फास्ट चलने वाली, हम वहाँ से जा रहे थे, उसको समझ भी नहीं आई एस्केलेटर क्या होता हूँ, इस तरफ आई और फिर उस तरफ से आने लगी। नहीं ऐसा नहीं है कि हर लड़की होशियार होती है, मन बुद्धि भी हमने देख चुके हैं। वो तो कुछ भी नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना हरामी वेंडिंग मशीन मिला हमें। वेंडिंग मशीन में अभी क्या हुआ कि हमने सोचा, हम एक्चुअली वहाँ से 50 के कॉइन्स करा के लाए, क्योंकि यहाँ पे कॉइन्स ही चलते वेंडिंग मशीन में ठीक है। अब पहली तो मैंने निकाल ली पानी की बोतल, उसके बाद में इसने डाले 2 सिक्के कि 20 की निकालेगा ट्रॉपिकाना, और ट्रॉपिकाना पीस ली ही नहीं भाई। यानी अगली बार अगर कभी भी आप वेंडिंग मशीन में आते हो ट्रॉपिकाना मत चूज़ करो, पानी की बोतल चूज़ करो, भारी भी रहती है आ भी जाती है, 10 रुपये की भी रहती है, लूटने वाला काम होता है, अब तुम निकाल भी नहीं सकते उस पैसे। क्या कैसा है सब टेस्टी है, देख सकते हो यार, मैं भी खाता हूँ खाने के बाद, मिलते चलो। हाँ तो यूजिनिया तेरे को अभी आ गया, क्या क्या मिल गया वो बता दे मेरे को, इतना जल्दी आगे क्या मिल गया। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, प्लेन हमारे बिना नहीं जा रहा, लेकिन खाना तो भी मिलेगा, कैसे मिल जाए कुछ भी मिल जाए। अरे यार भूख कर रहे हैं इतना खाली कर रहे हैं यार, गुटके की बात कर ली यार ब्लॉग में, तू तू वाली बात कर ली, कौन सा पसंद है वो बता दो, ब्लॉग में बता दो कौन सा गुटका पसंद है। कमला पसंद है स्पेशल आज भी पीछे आके देने पड़ता है। शिखर पसंद है, रजनीगंधा और शिखर, शिखर मैं तो पहली बार नाम सुना भाई इसका, अब नहीं सुना यार, होगा भाई कहाँ पे, मेघालय वगैरह में मिलता होगा, लाइए भाई ये रुको बता रही है ये तो कंटेंट बन गया भाई, इसके ट्रॉफी खाने के चक्कर में हमने 20 रुपये ऐसे ही गवा दिए ठीक है, ऐसे मशीन को दान दे के आ गए भाई 20 रुपये। लाइन बढ़ती नहीं है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बोर्डिंग चालू है, बोर्डिंग चालू है, उल्टा मत बता सीधा बता, सीधा कर। नाम क्या लिखा है, नाम गलत लिखा है, बैठने नहीं मिलेगा, गलत नाम पे ट्रैवल कर रही है। चुके हैं मनीला निनो एक्विनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। अभी बस हम लैंड किए, फ्लाइट के बारे में तो क्या ही बताया नहीं, हम तो सो गए थे, तो दिया ही नहीं खाना वाना भी नहीं दिया, पूछा ही नहीं मतलब, और मेरे सामने तो पानी की बोतल रख के चली गई वो, और अभी देखते हैं आगे जाके इमिग्रेशन वगैरह सब वापिस से, हाँ क्या सरप्राइज मिलता है, होटल हमारी पसंद की मिलती है या नहीं मिलती है, ये सब होटल में लास्ट में ऐड कर लूँगा। बी सेफ, स्टे सेफ, ओमिक्रॉन से बचे, और आए चार्टर से आए हमारी तरह आए, ठीक है जाके पसंद जाना है, चलो मिलते हैं। अगर आ रहे हो तो ऐसे इस तरह से मिलते हैं, ब्यूरो क्वारंटाइन ना चैम्बर्स बने हुए हैं, और आपको लाके सीधा पटक देंगे इधर, फिर धीरे धीरे करके आपके सब कुछ चेक करेंगे, QR कोड और ये सब, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। तो गाइस फाइनली मैंने अभी कर
लिया है चेक इन होटल में, होटल सोगो करके है ये अलाबंग ब्रांच है इसकी, और अभी रूम वूम भी वहीं से बुक कराया था एयरपोर्ट से। अब एक थिंग है कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो, बस खाना वाना अंदर आप ऑर्डर कर सकते हो, 1200 पर डे के हिसाब से कुछ रूम है, बाकी मैं चीज़ें रूम में जाकर। तो भाई इज्जत पूरी मिल रही है सामान वामान की, ठीक है, क्या कह रही है, इज्जत पूरी मिल रही है। तो मेरे को लग रहा है नीचे से गिर रहा है, दिक्कत। चलो सामने ही ट्रैवल व्लॉग आज के लिए यही ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी करना। काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं बता पाया मैं वीडियो में, वो उसकी एक अलग से मैं वीडियो डालूंगा। अप टू डेट, पीस आउट, बाय।